लोग एंटीलोग पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 3 वीडियोस है उसमें, 20 मिनट्स की है, मतलब ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी वीडियोस है, 20 मिनट्स की, आप वो आराम से देखोगे अगर तो। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, एन्यूटी का चैप्टर आपके लिए गेम बन जाएगा। सारा गेम क्या है, एक फॉर्मूला का, ठीक है, लोग एंटीलोग आना चाहिए। क्वेश्चन देख के कैसे पता लगे कौन सी एन्यूटी है, वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आपने सारे पार्ट्स अच्छे से देखे हैं, कैलकुलेशन में समझोगे। लेकिन लोग एंटीलोग आपको अच्छे से तभी क्लियर हो रहा होगा वो वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस करोगे। उन वीडियोस में मैंने स्क्रीन पे आपको चीजें दिखाई हुई हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ। सो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर, दैट इज एन्यूटी। सुपर इजी चैप्टर है, इसमें हम अमाउंट ऑफ एन्यूटी निकालना सीख चुके हैं और प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। कल की क्लास में प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा था एन्यूटी ड्यू के लिए, और इमीडिएट एन्यूटी का कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इसके फॉर्मूलास कल सीख लिए चीज। लेकिन आज हम प्रेजेंट वैल्यू सीखेंगे कैसे हम डेफर्ड एन्यूटी का निकालते हैं। एक टाइप की एन्यूटी बची थी जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं सीखी, आज हम डेफर्ड एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। सुपर सिंपल है, आप क्वेश्चन देख के कैसे पता लगेगा डेफर्ड एन्यूटी का क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर जैसे हमने सम वाले में सीखा था, अमाउंट वाले में सीखा था, कि जिस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में दी नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर में जा रही है, फोर्थ ईयर में जा रही है, जब हमारी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट वाली ही लेट स्टार्ट होती है वहां पे डेफर्ड एन्यूटी का काम होता है। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। रिकॉग्नाइज करने का सेम प्रोसीजर है, चाहे अमाउंट ऑफ एन्यूटी का क्वेश्चन हो, चाहे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन देख के कि पता कैसे चले किस टाइप की एन्यूटी है वो सेम प्रोसीजर रहेगा, वर्डिंग से पता लगेगा। एट द एंड लिखा है, एट द बिगनिंग लिखा है, लेट इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करी, इन वर्ड से पता चलता है किस टाइप की एन्यूटी है। फिर अब आपको पता लगे किस टाइप की एन्यूटी है, फिर देखो पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, सम पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट का क्वेश्चन है। आज हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीखने वाले हैं डेफर्ड एन्यूटी निकालने का। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट सारे सीरियल ऑर्डर में देखते आ रहे हो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिर आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ, आपने मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करनी है तब अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। पहले फॉर्मूला कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला किसके लिए, डेफर्ड एन्यूटी के लिए, ड्यू के लिए, और उसके लिए तो हम कल ही कर चुके हैं, हमने ड्यू के लिए भी कर लिया और किसके लिए, इमीडिएट के लिए भी कर लिया। अब हम डेफर्ड एन्यूटी के लिए करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, पहले मेरे को बताओ कि इसका अमाउंट ऑफ एन्यूटी का क्या फॉर्मूला है, डेफर्ड एन्यूटी के लिए अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, आर क्या था यहाँ पे, 1 प्लस आई के पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला किया था कि नहीं किया था अलग से। मैं जब आपको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलाज करवा रही हूँ तब मैं आपको पहले अमाउंट के फॉर्मूलाज भी बता रही हूँ ताकि आप चीज़ें मिक्स ना करो, बहुत क्लैरिटी रहे माइंड में। तो ये किसका फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ एन्यूटी का। आज मैं किसका फॉर्मूला करवा रही हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का। कौन सी एन्यूटी का, डेफर्ड एन्यूटी का। क्लियर है चीज। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखो ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, ये आर सेम रहता है, यहाँ पे वन पहले आता है, वन माइनस वन प्लस आई, वन पहले आता है ये बाद में जाता है, क्योंकि इसको हमने बाद में रखा, ये गुस्सा हो गया, ये माइनस एन लेगा, एन नहीं लेगा पावर, वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन, इससे ये लर्न करना बता रही हूँ। नीचे आई का आए सेम रहेगा, तो आर एज इट इज, यहां पे 1 आगे आ जाता है, ये 1 प्लस आई की पावर माइनस एन हो जाता है और यहां पर आए आएगा। इसमें एक चीज और आती है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, दैट इज 1 प्लस आई की पावर माइनस एम। ये एम क्या है, एन क्या है, ये अब भी मैं अच्छे से क्लियर करूंगी, पहले फॉर्मूला ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एन्यूटी का डेफर्ड के लिए, और ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का डेफर्ड के लिए। ये किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का डेफर्ड के लिए। आर आएगा यहाँ से 1 माइनस माइनस एन अपॉन आई, ये एक फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस आई की पावर माइनस एम। ये एम और एन कैसे मिलेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। पहले फॉर्मूला नोट कर लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्यूटी। फॉर्मूला नोट करो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन से कैसे हम एम एन आई आर निकालने वाले वो समझेंगे। कैपिटल आर वही है इंस्टॉलमेंट्स, आई क्या है रेट अपॉन 100, बेसिक चीज जो आपको नहीं सीखनी है यहाँ पे वो एम और एन है। अभी क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स का मतलब ये एन्यूटी
एन्युटी का क्वेश्चन है, जब भी हम ऐसे पेमेंट्स कर रहे हैं मतलब इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं तो वो एन्युटी का क्वेश्चन बन जाता है. तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की निकालनी है, सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स का मतलब एन्युटी ऑफ रुपीज 1500 ईच, मतलब मुझे 1500 की इंस्टॉलमेंट्स देनी है, मतलब जो मेरा आर है वो 1500 है. द फर्स्ट बींग मेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, वो जो पहली पेमेंट है वो 7 ईयर्स के बाद दे रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में उसने फर्स्ट पेमेंट नहीं दी, लेट पेमेंट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है. मुझे यहाँ से पता लग गया, फर्स्ट बींग मेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, लेट पेमेंट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है. अब फर्स्ट पेमेंट कब जा रही है, 7 ईयर्स के बाद, तो जो एम होता है वो जब भी फर्स्ट पेमेंट जाती है उसमें से 1 माइनस होता है, 7 माइनस 1 दैट इज 6. एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है. बहुत ध्यान से चीजें समझो, एम की वैल्यू जहां पर हमारी पेमेंट स्टार्ट हो रही है वो है 7, उसमें से आप एक माइनस कर दो दैट विल बी 6. तो एम की वैल्यू जब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस ईयर में जाती है, 7th ईयर में जा रही है, हमेशा उसमें से 1 माइनस करना है, आपको एम मिल जाएगा. मान लो यहाँ पे होती पेमेंट स्टार्ट 5th ईयर के अंदर, तो 5 माइनस 1 एम मेरा 4 आ जाता. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट लाइन से पता लग गया प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सेकेंड लाइन से आर पता लग गया, थर्ड लाइन से यहाँ मुझे क्या पता लग गया, दैट इज एम की वैल्यू. जिस ईयर में मेरी फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट हुई है माइनस 1 कर दो, उसमें से मुझे एम मिल जाता है. आगे ध्यान से देखो, एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 16 ईयर्स, और जो लास्ट पेमेंट है वो 16 ईयर्स में हो रही है. लास्ट पेमेंट कब हो रही है, 16 ईयर्स में. तो जो एन है आप क्या करते हो, जब लास्ट पेमेंट हो रही होती है वो लिखते हो 16 ईयर्स में हो रही है, उसमें से माइनस करते हो जो एम की वैल्यू होती है 6, दैट इज मेरे पास जो यहाँ पे एन है वो 10 आएगा. हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होगे, किसकी, डेफर्ड एन्युटी की. ध्यान से समझो, पहले आर इंस्टॉलमेंट, वो कह रहे हैं जो फर्स्ट पेमेंट है वो 7th ईयर के अंदर हुई, इसका मतलब एम की वैल्यू जो भी ईयर के अंदर हुई माइनस 1 आपको मिल गया. एन कैसे निकलता है, जो भी आपकी पेमेंट हुई लास्ट वाली, देखो ना लास्ट एट द एंड ऑफ 16 ईयर्स, कि 16 ईयर्स में मेरी लास्ट पेमेंट होगी वो आप 16 लिखोगे, उसमें से माइनस करोगे एम की वैल्यू. एम कितना था, 6, 16 माइनस 6, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10 आ गई. हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है. एम कैसे निकलेगा, जब फर्स्ट पेमेंट हुई 1 माइनस करके. एन कैसे निकलेगा, जब लास्ट पेमेंट हुई उसमें से एम की वैल्यू माइनस करके. ये एम आ गया और ये क्या आ गया, एन आ गया. आगे देखो, इज वर्थ 7%, मतलब आर की वैल्यू 7%, तो आई कितना आएगा, 0.07. पहले बताओ ये क्वेश्चन से वैल्यूज निकालनी आ गई, फिर यहाँ पुट करते हैं सारी वैल्यूज. क्वेश्चन से समझ आ गया, आर एम एन स्मॉल आर, बहुत सिंपल है, ध्यान से चीजें करो. चले आगे, इसमें कोई दिक्कत होनी पक्का, देख लो. चले चलो नेक्स्ट, अब पुट करते हैं वैल्यूज. फिर यहाँ पे आर कितना था, 1500, और एम कितना था, दैट इज 6. यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं. पी इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है, 1500, 1 प्लस आई मीन्स 1 प्लस 0.07 की पार माइनस एम मतलब माइनस 6. यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस 0.07 माइनस एन मतलब माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, अपॉन आई इज 0.07. बहुत सिंपल चीज़ है. आगे देखो, 1500 1.07 की पार माइनस 6, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1.07 की पार माइनस 10 अपॉन 0.07. यहाँ तक सिंपल पुटिंग किया, कुछ नहीं किया मैंने, 1 इसमें ऐड किया. अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जितनी भी बड़ी पावर्स होती है उसको हम अलग अलग लेके लॉग लेके सॉल्व करते हैं, करते हैं ना. यहाँ पे दो बड़ी पावर्स हैं, एक ये वाली माइनस 6 वाली और एक ये माइनस 10 वाली. इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे. इसको x लेके अलग सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे. इसको x लेके अलग से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे. आराम से चीज़ें देखते चलो और मेरे साथ साथ करो, अच्छे से समझ आएगा. पहले इसको करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को करते हैं पहले, ठीक है. लेट x इक्वल टू 1.07 की पार माइनस 6, तो लॉग ले लो दोनों तरफ. लॉग x इक्वल टू माइनस 6
लॉग 1.07 आपको पता है कि जब इस पे लॉग लगेगा पावर आगे आ जाएगी। अब इतना आपको दो तीन क्लासेस देख के पता लग गया। अब आगे देखो लॉग x माइनस 6 इंटू आप 1.07 का लॉग चेक करो 10 का, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 देखो, 7 के नीचे वैल्यू चेक करो, यहाँ लिखो, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ, मैं भी लिख रही हूँ, फिर मैच करते हैं। अब आगे देखो, जब आपने 10 का 7 के नीचे देखा होगा 0294 आया होगा, क्योंकि 1 पॉइंट है तो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये वैल्यू है ये लॉग एक्स की, मुझे किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू एक्स की चाहिए, तो ये एक्स जो लॉग है उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। और कल की क्लास में हमने नेगेटिव का एंटी लॉग निकालना सीखा है। लॉग एंटी लॉग पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 3 वीडियोस हैं उसमें, 20 मिनट्स की है, मतलब ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी वीडियोज़ है, 20 मिनट्स की, आप वो आराम से देखोगे अगर तो। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, एन्यूटी का चैप्टर आपके लिए गेम बन जाएगा, सारा गेम क्या है, एक फॉर्मूला का, ठीक है। लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, क्वेश्चन देख के कैसे पता लगे कौन सी एन्यूटी है वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आपने सारे पार्ट्स अच्छे से देखे हैं, कैलकुलेशन में ऐसा समझोगे, लेकिन लॉग एंटी लॉग आपको अच्छे से तभी क्लियर हो रहा होगा वो वीडियोज़ देख के आप प्रैक्टिस करोगे, उन वीडियोज़ में मैंने स्क्रीन पर आपको चीज़ें दिखाई हुई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, इसके लिए किसी पर डिपेंडेंट मत रहो या सोच रहे होगे मैं यहीं तक क्वेश्चन कर दूंगा बहुत नंबर मिल जाएंगे, नहीं, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब आगे देखो, इसका लॉग देखना है, नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं देखना आता, मैं इसमें क्या करने वाली हूं, प्लस वन माइनस वन, तो यहां पे माइनस वन प्लस वन माइनस 0.1764, हमेशा पहले माइनस वन आता है फिर प्लस वन आता है, माइनस 0.1764, जल्दी से वन में से ये माइनस करो, आंसर लिखो, फिर मैच करते हैं, मैं साथ साथ करूँ। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिख दिया, वो फॉर्मूला से जो आया था वहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस सिक्स, देखो दोनों तरफ क्या लिया, लॉग लिया, पहले एक्स लिया इसको, दोनों तरफ इसके लॉग लिया, पावर आगे आ जाती है जब भी लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ दिस वैल्यू निकाल ली, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब लॉग एक्स की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन गया। अभी नेगेटिव वाले का एंटी लॉग नहीं आता, तो माइनस वन प्लस वन किया, यहाँ से वन में से जो माइनस करके आया आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 0.8236 आएगा, वन माइनस दिस, ये वाला माइनस वन एज इट इज रहता है, ये माइनस वन बाद में वन बार बन जाता है और 0.8236 एज इट इज लिखते हैं। एंटी लॉग टेबल में 0.82 मिलेगा, उसका 3 के नीचे देखो और फिर थिन लाइंस में आके 6 के नीचे देखो, उन वैल्यूज को ऐड कर दो, आंसर विल बी 6662। अब यहाँ पे 1 बार था तो इस कारण इसमें 0 पॉइंट आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया आपके पास इसकी x की, x था क्या, दैट इज इसकी वैल्यू 0.6662। तो क्वेश्चन के अंदर जब मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की हैं वहाँ पे मैं इसकी जगह 0.662 लिखूंगी जब मैं कैलकुलेशंस करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान से समझो, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने 1.07 की पार माइनस 6 कैलकुलेट कर ली, बहुत अच्छे से इसको करना सीख लो, लॉग एंटी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 1.07 की पार माइनस 10 निकालते हैं, माइनस 6 क्लियर है ना, आप निकालेंगे इसकी पार माइनस 10, बहुत सिंपल, ऐसे ही स्टेप्स पे मेरे से भी पहले कैलकुलेट करना शुरू करो फिर मैच करना आंसर। अब क्या लेंगे दोनों तरफ, लॉग लेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, लॉग x इक्वल्स टू माइनस 10 लॉग 1.07, पावर मैंने पहले ही आगे लिख दी, दैट विल बी माइनस 10 इनटू 10 का 7 के नीचे, देखो क्या आप देखो ध्यान से, 1.07 का लॉग निकालोगे 0.0294 अभी निकाला था सेम आएगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ दैट विल भी कितना आ जाएगा 0.294, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये तो लॉग x की वैल्यू, मुझे किसकी चाहिए, x की, ये लॉग उधर एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस की वैल्यू, ये नहीं आता, हम माइनस वन प्लस वन करना पड़ता है, इसको डायरेक्टली टेबल में नहीं देख सकते, फिर 1 में से माइनस किया 0.294 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.706, और ये माइनस वन एज इट इज़, पहले हमेशा माइनस वन ही लिखते हैं, प्लस वन बाद में लिखते हैं, ये माइनस वन वन बार बन जाता है, वो ये रहा 1 बार 0.706। एंटी लॉग टेबल में 0.70 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसका 6 के नीचे जाके देखो, आंसर आ रहा होगा 5082, इस 1 बार के कारण आगे 0 पॉइंट आ गया, 0.5082 इसकी वैल्यू है 1.07 की पावर माइनस 10 की, मतलब कैलकुलेशन में अब मैं इसकी वैल्यू डालने वाली हूँ 0.50,
8 to 2 बहुत सिंपली चीजें आप कर सकते हो. लोग एंटी लोग आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए. अब करें कैलकुलेशन, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास पावर वाली. अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सिंपल है. दैट विल बी 1500 इंटू 0.6662 और यहाँ पे 1 - 0.5882 अपॉन 0.07. बताओ कहाँ से डिफिकल्ट है इक्वेशंस. दैट विल बी 1500 इंटू 0.6662. फटाफट से 1 में से इसको माइनस करके आंसर बताओ जल्दी से. 1 में से इसको माइनस करके जो आंसर आएगा जल्दी से यहाँ लिख दो नीचे 0.07. जब माइनस करोगे 0.4918 आएगा. अब इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 0.07 एज इट इज. इनको डिवाइड किया 7020.79. ये आंसर आ गया. दिस इज द वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन डेफर्ड एन्यूटी. तो क्वेश्चन टफ नहीं है. डेफर्ड एन्यूटी क्वेश्चन में आपको दो बार लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस है. लॉग एंटी लॉग सिर्फ गेम की तरह, अगर आप देखने की प्रैक्टिस हो जाए बार बार, अगर इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब दिन में 4-5 लॉग एंटी लॉग निकाल के देखा करो, आपको विद इन 2-3 डेज आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसी के साथ प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट भी खत्म हो गया. एन्यूटी बहुत ईजी कंसेप्ट है, फ्री के मार्क्स हैं. आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए किस टाइप की एन्यूटी है, फॉर्मूला आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, बाकी काम कैलकुलेटर देख लेगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और जो क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क में, वो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. जिसका आंसर ठीक हुआ मैं पिन कर दूंगा, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर मैच कर पाए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.